Cancer, welcome to Guru Mind the Tarot. और ये रीडिंग है 13th of November से लेके 19th of November तक की. तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. Queen of Cups. Queen of Wands. Ace of Swords. Nine of Cups. And Eight of Swords. Okay. तो हमारे पास Ace of Swords है. Ace of Swords के साथ आप दोनों के बीच lack of communication हो सकता है. हो सकता है कि आप एक दूसरे से इस वक्त बिल्कुल भी टच में ना हो या बातें ना कर रहे हो. पर इसकी वजह पूरी तरह से ये पर्सन नहीं है. हालांकि डेफिनेटली इनका इतना तो रोल है इसमें कि ये दूसरों की बातों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. जो सच है उसे देखना नहीं चाहते, जानबूझ के आंखों पे पट्टी बांध रखी है एंड अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दूसरे कह रहे हैं वही सही है. अब ये फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स या कोई भी हो सकता है. इस पर्सन के ऊपर दूसरों की बातों का बहुत असर पड़ रहा है. सोशल मीडिया वॉच कर रहे हो सकते हैं एंड उन्हें लग रहा है कि उनके रिलेशनशिप में ये नहीं है, उनके रिलेशनशिप में वो नहीं है. एक्चुअली इस पर्सन को पता है जो कुछ भी इस रिलेशनशिप में इशू है वो उनकी वजह से है एंड अगर यहाँ कुछ नहीं है तो वो उनके वजह से है. और ये चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इनसिक्योर बना रही है. ये पर्सन चाहता तो सब कुछ है इस रिलेशनशिप में, पूरी तरह से ये इस लव को एंजॉय करना चाहते हैं. पर जो भी एंजॉय करने के लिए ज़रूरी है या जो भी इस रिलेशनशिप को कंप्लीट बनाने के लिए ज़रूरी है वो ये पर्सन अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहता. वो ये पर्सन अपनी तरफ से देना नहीं चाहता, एफर्ट नहीं कर रहा एंड ये एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है. कि ये पर्सन आपसे ज़्यादा दूसरों की बातें सुन रहा है और उनसे अफेक्टेड भी है. यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स है. इस पर्सन को पता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं. ओके, इस पर्सन को पता है कि आप अपने फैसले खुद ले सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप गॉर्जियस हैं, आप अमेजिंग हैं. इस पर्सन को पता है कि आप हमेशा यहाँ वेट नहीं करते रहेंगे. ओके, क्वीन ऑफ वांड्स एक प्रैक्टिकल पर्सन को दर्शाता है जो अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकता है, अपने फैसले लेना जानता है, स्मार्ट है और साथ ही साथ बहुत सेलेक्टिव और गॉर्जियस भी. और दूसरी तरफ आप क्वीन ऑफ कप्स भी हैं, इमोशन से भरे हुए, कंप्लीट, ग्लैमरस एंड अपनी वैल्यू को समझने वाले. ओके, आप इस टॉप पे बैठे हुए हैं एंड अगर किसी को आपका साथ चाहिए तो उसे इस टॉप पर चढ़ना होगा या आपको ये दिखाना होगा कि वो आपके काबिल हैं, आपके लायक हैं. अपने आप को प्रूफ करना होगा एंड क्वीन ऑफ कप्स ये दर्शाता है कि आप किसी भी ऐसे चीज़ के लिए सेटल नहीं कर पाएंगे जो आपके लायक नहीं. आप कोशिश करेंगे तो भी कुछ ना कुछ रास्ते में आ जाएगा या आपके थॉट्स बदल जाएंगे बीच रास्ते में ही और आप उस रिलेशनशिप से दूर चले जाएंगे. तो इस पर्सन को इस बात का अंदाज़ा है कि अगर उन्हें आपका साथ चाहिए तो उन्हें आपको दिखाना होगा कि वो आप में इंटरेस्टेड हैं, वो आपके काबिल हैं और वो भरोसे के लायक हैं. ये चीज़ इस पर्सन को थोड़ा सा डरा रही है. आपका क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ वांड्स साथ में होना इस पर्सन के लिए एक डरावने सपने जैसा बन गया है. इन्हें लग रहा है कि ये अपने से कुछ भी नहीं कर सकते, इनके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है क्योंकि आप बहुत पावरफुल हैं और अपने डिसीजन खुद लेते हैं. आपकी अपनी सोच है
तो बेसिकली इनका कोई एफर्ट किसी काम का नहीं है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे इन्फीरियर भी फील करता है। ये पर्सन समझ नहीं पा रहा कि किस तरीके से चीज़ों से डील किया जाए, एंड हो सकता है इसीलिए ये आपको थोड़ा सा डाउट दे, सेल्फ डाउट दे अपने बारे में। कोई ऐसी बात कह सकते हैं कि आप तो ये नहीं करते इस रिलेशनशिप के लिए, वो नहीं करते, और दूसरे लोग ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, किसी से कंपैरिजन कर सकते हैं, या ऐसी बॉडी लैंग्वेज हो सकती है इनकी जिससे आपको लगे कि शायद आप इनके लिए परफेक्ट नहीं है, या ये आपको उतना पसंद नहीं करते। सब कुछ इंटेंशनली कर रहे हैं क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस चाहिए, और वो कॉन्फिडेंस उन्हें कहीं से भी नहीं मिल रहा, क्योंकि उन्हें पता है कि हर तरफ से अगर कोई कम है तो वो वही है। आई मीन, मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये पर्सन जानबूझ के ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो हर तरफ से हार चुके हैं या कुछ ऐसा। बस मेरे कहने का मतलब ये है कि ये पर्सन किसी तरीके से एक अपर हैंड चाहता है, ये आपको प्रूफ करना चाहता है कि ये आपके साथ रिलेशनशिप में रहने के काबिल है, ये इस रिलेशनशिप को लीड कर सकते हैं, लगता है कि ये कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ों को। और वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी है इनको, क्योंकि 9 of Cups के साथ ये पर्सन आपके साथ अपना फ्यूचर तो देख ही रहा है, और साथ ही में ये चाहता है कि सब कुछ उनके अकॉर्डिंग हो। तो ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल हो सकता है आपके रिलेशनशिप पे, जिस पे आप दोनों को वर्क करना पड़ेगा अगर आप इसमें रहना चाहते हैं तो। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2023 की, तो उसके फर्स्ट क्वार्टर की और सेकेंड क्वार्टर की रीडिंग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल दिया है, आप चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द हायरोफैंट, द एम्प्रेस, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, स्टार। ओके, तो हमारे पास थ्री ऑफ वॉन्ड्स है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये एक जर्नी की स्टार्ट है, और ये जर्नी जल्द ही कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप इस सिचुएशन में से विक्टोरियस होके बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी इस वक्त चाहे जितना भी रास्ता लंबा नजर आ रहा हो या कठिन लग रहा हो, आप जरूर इसे पूरा कर लेंगे। यूनिवर्स ने आपको चूज ही इसलिए किया है कि आप इसके लायक हैं। ओके, द एम्प्रेस के कार्ड के साथ डेफिनेटली आपको आपके वर्थ को समझना चाहिए। आज तक शायद आप खुद से ज्यादा दूसरों के लिए ही करते आए हैं, हमेशा कुछ भी करने से पहले ये सोचना कि दूसरों को कैसा लगेगा। ये कोई बुरी बात नहीं है, डेफिनेटली ऐसा पर्सन को होना ही चाहिए, मगर जब बाउंड्रीज क्रॉस होती हैं, जब कोई पर्सन इस बात का एडवांटेज उठाने लगता है, तो फिर अपने लिए स्टैंड करना जरूरी होता है। द हायरोफैंट के साथ आपसे कहा जा रहा है कि आपके स्पिरिट गाइड आपको रास्ता दिखा रहे हैं, यूनिवर्स आपको वॉच कर रहा है, यूनिवर्स ने आपके रास्ते को रोशन कर रखा है, तो आप बस आगे बढ़ते जाइए बिना सोचे समझे। द स्टार के कार्ड के साथ डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको जरूर नजर आएगा। इनफैक्ट अपने इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिए। अगर आपका इंट्यूशन आपसे कहता है कि ये पर्सन आपके काबिल नहीं है, तो इस वक्त इस पर्सन पे फोकस करना जरूरी नहीं है, खुद पे फोकस कीजिए। अगर आपका इंट्यूशन आपसे कहता है कि आपको एक और मौका इन्हें देना चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हैं, पर अपने इंट्यूशन को ही फॉलो कीजिए, एंड आपके दिल को ही सच पता है इस पॉइंट पे। चलिए देखते हैं कि आपके लिए और एक मैसेज क्या है। इनर टेम्पल, डिवोशन, ट्यून इन टू द पोर्टल ऑफ योर हार्ट। तो आपसे कहा जा रहा है कि जरूरी है खुद को डिवोट करना, खुद को, आई मीन
ये बात हो रही है अपने सोल को अटेंशन देने की। जब अपने सोल को अटेंशन देंगे तो सोल आपके लिए सब कुछ करेगी, जो भी आप चाहते हैं आप हील कर पाएंगे, आप एक बेटर पर्सन बन पाएंगे। एंड जरूरी है कि आप अपने हार्ट के साथ ट्यून में रहें, अपने दिल की बात सुने, क्योंकि यही चीज आपको आगे ले जाएगी या आपके लिए रास्ता बनाएगी इस क्योस में से। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।